एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वालिटीज दैट अ स्टूडेंट और अ लर्नर शुड हैव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज सुस्मिता एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वालिटीज दैट अ स्टूडेंट और अ लर्नर शुड हैव। सो every student or every person has some dreams, but only some of them achieves it. There are some basic barriers between students that makes them vary in life. So basically हर एक person का, हर एक student का कोई ना कोई dream होता है, but कुछ का होता है कि वो dream achieve कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे basic reasons होते हैं, कुछ ऐसे basic differences होते हैं जो हर students में होते हैं, और इसी वजह से कुछ लोग अपने ड्रीम को कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। सो हेयर आर सम क्वालिटीज डैट अ लर्नर मस्ट हैव। लाइक आप एक लर्नर हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं, तो आपके पास कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज सेल्फ डिसिप्लिन, द एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड टू मेक योर सेल्फ वर्क हार्ड और बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे विदाउट नीडिंग एनी वन एल्स टू टेल वॉट टेल्स यू वॉट टू डू। सो बेसिकली अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें तो इट्स योर एबिलिटी, लाइक आपकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद से डिसाइड कर सकें, खुद डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें। ऐसा नहीं कि हमें दूसरे कोई बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस टाइम पर क्या नहीं करना चाहिए। ये प्रॉपरली ये आपका खुद का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका खुद का रूटीन होना चाहिए जो आपको मेंटेन करना चाहिए, ना कि दूसरे के भरोसे रहना चाहिए कि वो इंसान बताएगा या फिर कोई गाइड करेगा हमें तो हम करेंगे। आपका खुद का एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड, सो फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स और टारगेट्स। अ स्टूडेंट मस्ट हैव द बिहेवियर दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड अटेनिंग अ पर्टिकुलर गोल। So we should not be diverted by someone or something. Like अगर आप goal oriented हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक particular goal के लिए work कर रहे हैं और उसे जब तक आप achieve नहीं करेंगे you will not feel relaxed. See, so ये सारी चीज़ें goal oriented में होती है कि आप अपने एक कोई specific goal या target पे focus करें, और एक स्टूडेंट की ऐसी बिहेवियर होनी चाहिए कि उसे ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी चीज़ उसे चाहिए बस चाहिए, उसके लिए उसे हार्डवर्क करना हो, उसके लिए उसमें पेशेंस होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर वो गोल ओरिएंटेड हो। लाइक अगर कोई गोल उसने डिसाइड किया है तो उसे फुलफिल करने में की एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट वन इज पंक्चुअलिटी, सो द फैक्ट ऑफ अराइविंग डूइंग समथिंग और हैपनिंग एट द एक्सपेक्टेड और करेक्ट टाइम एंड नॉट लेट। सो पहले पंक्चुअलिटी क्या होती है वो हम समझते हैं। पंक्चुअलिटी मीन्स कि कोई भी काम जो फिक्स्ड टाइम तुम्हें दिया गया हो उस टाइम पे आप कर रहे हो, या फिर आप जो टाइम दिया गया उससे लेट आप नहीं हो रहे हो, लाइक कोई भी काम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो, टाइम पे कहीं पहुंच रहे हो, ये सारी चीज़ें पंक्चुअलिटी में आती हैं। लाइक टाइम पे कोई भी चीज़ें करनी इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी। तो एक स्टूडेंट जो होते हैं ना, बहुत ही क्रूशियल थिंग होती है किसी भी पर्सन के लिए। आई एम नॉट सेइंग ओनली स्टूडेंट्स, इनफैक्ट अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, लर्नर है, कोई भी, पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। जैसे हमारे पास होती है क्लासेस की टाइमिंग, 2 घंटे क्लासेस होंगी 9 to 11, अगर तो 9 से स्टार्ट होंगी इट मीन्स होंगी, आपको 9 से पहले पहुंचना है या फिर 9 तक पहुंचना है, उसके बाद आप नहीं आ सकते। ये सारी चीज़ें होती है, पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करता है, और इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जब एग्जाम्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट वन इज इट्स डिलीजेंस एंड हार्ड वर्क, सो टैलेंट इज चीपर दैन टेबल सॉल्ट। वॉट सेपरेट्स द टैलेंटेड इंडिविजुअल फ्रॉम द सक्सेसफुल वन इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। देर इज नो बैरियर टू सक्सेस विच डिजिलेंस कैन नॉट हर्ड इट। सो सबसे पहले हम डिजिलेंस और हार्ड वर्क का मतलब ये समझते हैं कि अगर जैसे कि एक बहुत ही फेमस कोट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि टैलेंट जो है ना वो टेबल सॉल्ट से भी सस्ता है, चीपर है, यानी उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। एक टैलेंटेड पर्सन और एक सक्सेसफुल पर्सन, इन दोनों में डिफरेंस बस इतने का ही होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि
टॉपर्स भी कितना बार ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बेसिकली रीजंस बस यही है कि अगर आप टैलेंटेड हैं बट अगर आप हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन नॉट बी सक्सेस इन योर लाइफ। सो बेसिकली हार्डवर्क कितना बार होता है कि टैलेंट को भी पीछे छोड़ के आगे चला जाता है। सो दे से दैट देयर इज नो बैरियर टू सक्सेस विच डिलिजेंस कैन नॉट हर्डल। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो कोई ऐसी बैरियर नहीं है कि जो आपके सक्सेस में रुकावट डाल सके। नेक्स्ट वन इज बी रिस्पेक्टफुल। सो शोइंग एडमायरेशन पोलाइटनेस एंड ऑनर टू समवन और समथिंग यू मस्ट हैव द रिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स द गुड थिंग इन योर सराउंडिंग्स। रिस्पेक्टफुल बींग रिस्पेक्टफुल मीन्स जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके सराउंडिंग्स में, आपके कोई कलीग, आपके कोई क्लासमेट हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लाइक एडमायर कीजिए आप उसे पॉजिटिव। जैसे रिस्पेक्टफुल होना, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि आप एक पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट अपने आसपास में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो अच्छा मतलब लाइक ग्रो कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, तो बी रिस्पेक्टफुल, लाइक एडमायर कीजिए आप उन चीज़ों को। और इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी बनी होती है आपसे आपके सराउंडिंग्स में, और ये काफ़ी मैटर करता है जब आप कोई चीज़ नई चीज़ सीख रहे हैं कि आपके सराउंडिंग्स की जो चीज़ें हैं वो कितनी पॉजिटिव हैं। तो अपने आसपास में जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसको एडमायर किया कीजिए, लाइक रिस्पेक्ट किया कीजिए, एडमायर कीजिए, इवन इफ वो जो मेट हैं वो आपके कंपटीटर क्यों ना हो। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव। सो क्रिएटिविटी इज सीइंग व्हाट अदर्स सी एंड थिंकिंग व्हाट नो वन एल्स एवर थॉट। सो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ऐसा कहना था क्रिएटिविटी जो है, जो हम चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि शायद ही किसी ने सोचा होगा, उसे ही क्रिएटिविटी कहते हैं। लाइक किन्हीं अच्छी चीज़ों को देखना, उसके बारे में उन चीज़ों के बारे में सोचना जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी में आती हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड से हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को सोचेंगे और इसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा आपके लर्निंग में। नेक्स्ट एडविन लैंड, ये जो है एक इन्वेंटर है फोटोग्राफी में कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही वेल नोन पर्सन थे। तो एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ फेल। और क्रिएटिविटी में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम क्रिएटिव हैं, लाइक तरह तरह के थॉट्स हैं हमारे पास, एक इंडिविजुअलिटी है हमारी, तो ऐसे में क्या होता है कि कितना बार हमें फेल्योर्स भी देखने को मिलते हैं। बट क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप क्रिएटिव रहिए, अपनी चीज़ें करते रहिए, इवन इफ आप फेल हो रहे हैं स्टिल कीप डूइंग इट। नेक्स्ट वन इज पैशनेट। सो हैविंग कंपील्ड बाई और रूल्ड बाई इंटेंस इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड पैशनेट। पैशन इज एनर्जी, फील द पावर डेट कम्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन वॉट एक्साइट्स यू। सो पैशनेट का मतलब होता है कि जो चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो, आप उस चीज़ों को, वो हमारा पैसन हो गया। लाइक हमारा अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है कोई चीज़ ही करने में, तो वो हमारा पैसन हो गया, और उस चीज़ को लेके हम कितने स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग के साथ उस चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ये हमारा पैसनेट हो गया। तो अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, अगर आपको जैसे स्पोकन इंग्लिश सीखना है, आपको कोई नए स्किल्स सीखने हैं, तो ऐसे में अगर आप उन चीज़ों को सीख रहे हैं उसमें अपने पैसन को ढूंढिए। लाइक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें आपको अच्छी लग रही हैं, ऑटोमेटिक आप उसमें जब पैसन ढूंढेंगे ना, पैसनेट होते जाएंगे और उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते जाएंगे, और इससे आप इजीली सीख सकते हैं किसी भी चीज़ों को। तो एक स्टूडेंट में, एक स्टूडेंट को पैसनेट ज़रूर होना चाहिए। वो जो भी चीज़ें सीख रहा है उस चीज़ों को लेके उसे एक इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, तभी वो पैसनेट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज क्यूरियस। सो अगेन अल्बर्ट आइंस्टीन, सो ही सेड वंस दैट आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैसनेटली क्यूरियस। बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टीन ने वंस ये बातें कही थी कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस मैं अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ। जैसे अगर आपके में क्यूरियोसिटी होगी, ऑटोमेटिक आपके में क्रिएटिविटी आएगी, और अगर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और पैसनेट, ये सारी चीज़ें मिलती है ना, आप ऑटोमेटिक चीज़ों को सीखने लगते हैं।
तो वही कही जाती है कि क्यूरियोसिटी हेल्प्स ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम विच डिराइव्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डिजायर्स टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स. अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी नई नई चीज़ें जानने के लिए, सीखने के लिए, तो आप उन स्किल्स को, उन चीज़ों को ऑटोमेटिक सीखेंगे और इसका इफेक्ट डेफिनेटली आपके पर्सनैलिटी पर जरूर पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज रिजिलिएंट इन द फेस ऑफ चैलेंज. सो द एबिलिटी टू विद स्टैंड एडवर्सिटी एंड बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्ट लाइफ इवेंट्स, दिस इज कॉल्ड द रेजिलिएंट. लाइक जो भी आपके लाइफ में डिफिकल्ट चीज़ें हो रही है, डिफिकल्ट इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें डिप्रेस होके बैठने के बजाय अगर हम वहाँ उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो बाउंस बैक, लाइक वापस से हम फिर उसी जोन में आ जाए जो हम लर्निंग के टाइम पे जो चीज़ें हम फेस कर रहे थे. लाइक प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, अगर हम कोई चीज़ें सीख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाएं, उसकी वजह से हम जो हमारे लाइक पॉजिटिव जो हमारी वाइब्स है उसे हम कम कर दें. फिर उसी पॉजिटिविटी के साथ हमें स्टार्ट करना है. अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हम फेल कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फेल कर गए तो दोबारा हम एग्ज़ाम नहीं देंगे. फिर से वापस हम प्रिपरेशन करेंगे, वापस एग्ज़ाम देंगे, एंड देन वंस अगर आप इस कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल तो होंगे ही आप. सो बीइंग रेजिलिएंट डज नॉट मीन यू नेवर एक्सपीरियंस स्ट्रेस, इमोशनल अपहेल एंड सफरिंग. सो रेजिलिएंट का मतलब ये नहीं होता, रेजिलिएंट बनने का मतलब कि आप कभी भी स्ट्रेस या फिर इमोशनल अपहेवल या फिर सफरिंग, ये सारी चीज़ें आप फेस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी और उसके बाद भी अगर आप पॉजिटिविटी के साथ उन चीज़ों को ले रहे हैं और फिर वापस से कम बैक हो रहा है, बाउंस बैक हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके पर्सनैलिटी पर. और एक स्टूडेंट को, एक लर्नर में ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज एबल टू एम्ब्रेस चेंज. Able to embrace change. Embrace change, true success can be defined by your ability to adapt to changing circumstances. It's said, continuity gives us roots and change gives us branches. Embrace change means कि जो चीज़ें change हो रही हैं हमारे आस पास में, हमारे लर्निंग जो हमारी स्टाइल है उन चीज़ों में, या फिर जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, इम्प्रेस करना सीखिए. क्योंकि अगर हम बात करें, ऐसा कहा गया है कि कंटिन्यूटी गिव्स अस रूट्स, यानी अगर आप किसी चीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो उससे हमारा रूट स्ट्रांग होता है, बट जो चेंजेस हैं ना वो हमारे ब्रांचेज होते हैं, लाइक हम और डाइवर्स होते हैं. चेंजेस का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता. कितनी बार होती है कि जो बदलाव हो रहे हैं हमारी चीज़ों में उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती है. तो हमेशा चेंजेस को लेकर डरना नहीं होता है. कभी अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं सो एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट. एंड क्योंकि चेंजेस जो है ना वो ब्रांचेस की तरह होते हैं, हमें और डाइवर्स बनाते हैं, हमें और एक्सपीरियंस बनाते हैं. सो एक्सेप्ट द चेंजेस दैट हैपेंस इन योर लाइफ. एंड द लास्ट वन इज ओपन टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स एंड एक्सपीरियंस. सो सी एवरीवन हैज हिज ओन perspective. Being diverse means sharing your own views and experiences even if they are different from the majority, and also welcoming feedback, learning from others. अगर हम व्यू पॉइंट्स की बात करें या फिर एक्सपीरियंसेस की बात करें तो हमें वो डाइवर्स रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हर एक पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज़ों को देखने का, राइट? तो ऐसे में हमारे व्यू पॉइंट्स भले ही अलग हो पर उन चीज़ों को हमें सबके सामने रखना चाहिए. भले ही सबसे हमारी डिफ्रेंशिएट और सबसे अलग हो हमारा व्यू पॉइंट, फिर भी हमें उस पॉइंट्स को, उन बातों को सबके सामने रखना चाहिए और साथ ही दूसरों के एक्सपीरियंसेस, दूसरों के व्यू पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों में. सो बेसिकली ये जितनी भी क्वालिटीज, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो सारे एक लर्नर में, एक स्टूडेंट्स में होनी चाहिए. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो सबके पास, मतलब सब में होती हैं, बट कुछ ऐसी भी इसमें चीज़ें हैं जो बेसिकली एक स्टूडेंट में उन्हीं चीज़ों की कमी होती है. एक सक्सेसफुल पर्सन में ये सारी चीज़ें होती हैं. आपके पास पेशेंस होना चाहिए अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पेशेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, साथ में चेंजेस अगर हो रहे हैं तो एक्सेप्टेड.
फिर आपके व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट आपका पर्सनैलिटी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर हम कहीं क्लास कर रहे हैं, कुछ नई सीख रहे हैं, कुछ नए स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर अगर अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज डेट यू मस्ट हैव इफ यू आर ए स्टूडेंट और अ लर्नर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।